वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो हमारी जो फर्स्ट अपडेट है वो निकल कर आती है मॉर्टल को लेके। तो जो मॉर्टल है वो हमारे को आज देखने को मिले थे संजीव गणेश नाइक के साथ, एंड वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड जिसको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, ये हमारे को फॉर्मर MP है थाने के, एंड वहाँ पर उन्होंने ई स्पोर्ट्स रिलेटेड बातें करी जो कि उन्होंने अपने कैप्शन में डाल के बताया था, एंड वो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड इसके बाद काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि जो BGIS की जो मेल है इन गेम क्वालिफायर्स की वो नहीं आ रही है, तो इस चीज़ के ऊपर एंकी बॉट रिप्लाई करा, जहां पे उन्होंने लिखा था मेल नहीं आया, वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं दिखा रहा, आपको इन गेम क्वालिफायर्स तो खेल नहीं है जिसने रजिस्टर किया है, तो बैकग्राउंड चेक्स चल रहे हैं क्राफ्टन के एंड से बिकॉज लैक ऑफ प्लेयर हैव रजिस्टर्ड, एंड उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो न्यू है उनसे काफी लोग ये चीज बोल रहे थे कि उन्होंने गॉड लाइक को लीव कर दिया, इसके बाद भी वो गॉड लाइक का नेम यूज करते हैं, तो इस चीज के ऊपर उन्होंने रिप्लाई करते हुए क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। आप अपनी जगह अगर बदलेंगे तो बात कर सकते हैं, लेकिन जी नहीं, देखते देखते मॉन्स्टर भी न्यू करते हुए दिखाई देंगे या फिर वो लीव करने वाले ई स्पोर्ट्स को, तो उन्होंने इस पे एग्जैक्टली क्या बोला वो आप लोग देख लो। बस रिकॉर्ड का मुझे बस एक समझ आया, मतलब वो मतलब मुझे ऐसा कहा था कि वो BGIS खेलने वाला है, मतलब उसका लास्ट ब्लॉग देखा, उसने कहा कि वो अभी कॉम्पी छोड़ा नहीं है, वो कॉम्पी में है, बट आप बताओ चैट आपको क्या लगता है, गॉड कमबैक करेगा वापस कॉपी में। एंड इसके बाद जो सिर्फ भैया उनसे किसी ने चैट में ये चीज़ पूछी थी कि हमारे को सोल का एक पबजी मोबाइल लाइनअप देखने को मिल सकता है, तो इस पर क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। Can Seoul have PUBG lineup overseas? It doesn't make sense. पैसे वाइज यार, it doesn't make sense. एंड इसके बाद जो जॉनाथन है वो हमारे को रिवील करते हुए दिखाई देते हैं एक बड़ा सरप्राइज जो कि बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो एग्जैक्टली उन्होंने इस पे क्या बोला वो भी आप लोग देख लो। बोल खरीदी मैंने खरीदी जो मतलब तेरी मोस्ट फेवरेट थिंग यू ओन, एक्सपेंसिव नहीं रहेगा तो भी चलेगा, मतलब वो अभी रिवील होना बाकी है। अच्छा मतलब मेरे लिए नहीं है वो। अच्छा अच्छा और कुछ टाइम दे दिया भाई। सो गाइस अभी तक रिवील नहीं हुआ है बट वो फेवरेट होने वाला है जॉनी का, बहुत जल्द फेवरेट, मतलब अभी जॉनी का गर्लफ्रेंड मैं हम दोनों सिंगल सिंगल ही मरेंगे। देख मैं तो मर सकता हूँ इसका नहीं पता, मैं तो मर गया शंकर से ही पहचान लो कैसे, बट मेरी फेवरेट मतलब बहुत टाइम से ले रही थी, मोस्टली लाइक बर्थडे पे होगी वो। ओ 21 सितंबर गाइस, पहला वही है कि लाइक मेरे ड्रीम्स मैं नहीं कंप्लीट करूंगा, बट आपको पता है पेरेंट्स का ड्रीम, सो यार भाई। एंड इसके साथ में जो मवी है उन्होंने भी काफी चीजों को रिवील करा, जहाँ पे उन्होंने ड्रॉप क्लास से रिलेटेड बात करी, गॉड लाइक के साथ रिलेशन के बारे में बात करी, सोल के साथ भी ड्रॉप क्लास से रिलेटेड क्या बोला वो आप लोग। हमारे 8 किल लेके मरे हम, बड़ा हम लोग ठीक डिसेंट मरे, तो जो टीम में आपस में बहस होनी थी वो अलग हुई, बट हम लोग ठीक थे। तो जब हम मरे ना चैट में हंसने वाले मोदी चल गए, वो टाइम मैं ना बड़ा डिसअपॉइंट हुआ, तो मेरे को ना बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा यार हमने किस फैंस पे बुरा किया है जो हमें हाइट दे रहे हैं। तो फिर कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि स्काउट के फैंस भी हो सकते हैं, क्योंकि हम TX में पहले खेले थे, समटाइम्स फैंस को इमोशन जुड़े होते हैं ना, तो फैंस का क्या है, उनको कुछ नहीं करना है, उनको हेट दे देना जो चला गया टीम। फिर मैंने कहा थोड़े से सोल के भी हो सकते हैं, अपन पहले सोल में भी खेले थे, फिर मेरे दिमाग में फिर आया, मैंने कहा यार सब सॉर्टेड भी चल रहा है, ऐसा हेट देनी तो नहीं चाहिए क्योंकि हम हेट नहीं दे रहे उनको। तो फिर कन्फ्यूजन रह गई मेरी गॉडल की, गॉडल का मैं सोचा यार कि गॉडल में जो बंदे खेलते हैं वो भी अपने को बुरा नहीं बोलते, गॉडल में जो बंदे हैं वो भी नहीं बुरा बोलते, या हम भी कभी ऐसा कोई मुद्दा नहीं लेके, तो मैच है कौन ही है, मैं किसी भी टीम के फैंस को नहीं बोल रहा। फिर दूसरे मैच में दोबारा सेम हुआ, वाले फिर लौड़े लग गए मेरे, मैं दोबारा फिर दिमाग में सोच रहा हूँ मैंने कहा ऐसा क्या हो रहा है। बट जब दूसरा मैच एंड होने लगा तो गलती से ना पिकाचू से थोड़ा चोक हो गया, पहले पिकाचू पकड़े नहीं आ रहे थे, जब उन्होंने पॉडकास्ट लिखा ना तो फिर मैं समझा, पॉडकास्ट में ओनर का पॉडकास्ट हुआ, तुम्हारे सेंटीमेंट्स अगर लेफ्ट राइट हुए हैं वो ओनर्स तक आपस में बात करेंगे ना, बोलो अगर एक ओनर ने दूसरे के लिए पॉडकास्ट में कुछ बोला तो दूसरा ओनर पॉडकास्ट में जाकर दूसरे के लिए बोल देगा, या वो आपस में जो भी बटन कुछ करते हैं। हमें हमें प्लेयर्स को या कंटेंट क्रिएटर्स को या जो भी बंदे हम हैं, हमारी चैट में क्यों या हमारे लिए क्यों बचना, तो फिर मेरा बड़ा दिल दुखा, फिर मेरा को मतलब फिर मेरा ना बड़ा दिल दुखा। फिर उस टाइम मेरे को एक अच्छी बात लगी, मैंने कहा चलो ठीक है ना, तो स्काउट वाले हेट दे रहे हैं क्यों, क्योंकि हम सब एक दूसरे को
अच्छे से रखते हैं। तो फिर उधर सोल वालों का भी कोई पॉइंट नहीं बन रहा था क्योंकि सोल वालों के हाथ हमारा हेल्दी कॉम्पिटिशन है, हम खेलते भी हैं और ऐसे टेल तो सारा है ये, तब भी मैं ठीक हो गया ना। मुझे गॉडल प्लेयर से भी दिक्कत है ना किसी गॉडल के प्लेयर को मुझसे दिक्कत है, और नियो की भी हाईलाइट डाला था, मतलब ऑलमोस्ट कोई भी बंदा अपने को बुरा नहीं बोलता है, और इंडियल अगर वो लोग मिलते हैं तो भी हम लोग हेलो हाई कर लेते हैं। और रही बात बाकी, हाँ ये मुझे भी पता है कि गॉडल फैंस हम किसको बोलते हैं जो सपोर्ट करते हैं, तो वो अपने को हेट नहीं देते क्योंकि हमारा कोई, हम ज्यादा किसी के साथ लेफ्ट राइट करते नहीं है, या जिसके साथ करते हैं उसके साथ बात ही नहीं करते हैं ना। हेटर्स हमारे मौजूद, हेटर्स नहीं है वो हेटर्स नहीं है, वो बाप बदलने वाले बच्चे हैं, वो गॉडल के भी नहीं है, वो ना वो सोल के हेटर, अगर मान लो सोल का हेटर हो, ना सोल का हेटर होगा, ना स्पोर्टर होगा, ना गॉडल का हेटर होगा, ना स्पोर्टर होगा, ना टीएक्स होगा, ना मेरा होगा हेटर, ना वो बैन, तो बीच में ना फंसे हुए हैं, उनको अडॉप्ट कोई कर ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम वहां आ रही है। ड्रॉप क्लैश भी क्लियर कर दो, पहली बात तो मैं पूरा दिन आज मैच नहीं खेला, दूसरी बात मेरी टीम के प्लेयर का मुझे मैसेज आता है, चलो जो प्लेयर्स की मस्ती है वो आपस में करते रहे, मैं तो बोलता हूँ। तो निंजा के 10:31 में मुझे मैसेज आता है, मैं नहा के बाहर आया था वॉशरूम से क्योंकि मेरा 10:45 पे स्ट्रीम था, भाई जरा थोड़े स्टोरी मेंशन देखना अपने। तो मैंने कहा अच्छा, हाँ उसने स्टोरी देखा, मैंने कहा क्यों क्या हुआ, कहता पहले स्टोरी देखो फिर बात करते। मैंने स्टोरी देखी, गॉडल फैंस पढ़ रहे हैं, मैंने कहा इनको क्या हो गया, मैं तो फैंस ही, मैं कहीं था ही नहीं। फिर निंजा ने मुझे बताया कि इन्होंने ड्रॉप फाइट ले ली और इन्होंने मार दिया। और गाइस ये चीज मेरी इन्फो से बाहर थी, मैं किसी भी ड्रॉप फाइट को सपोर्ट नहीं करता हूँ टिल मैं ना चाहता हूँ, जब मैं खेल रहा हूँ, मैं जब खेलता हूँ कभी ड्रॉप फाइट नहीं होती है, होगी फ्यूचर में होगी, ऐसा नहीं है कि मैं कराऊंगा नहीं, तब फिर मैं जिम्मेवार रहूँ, मतलब जब मैं खेल रहा हूँ, जब मैं खेलूंगा ना और कोई इंटेंशनल टारगेट या ड्रॉप फाइट होगी तो समझ लो मैं इंटेंशनल कराया हूँ और मैं चाहता हूँ करने, ठीक है। और जब मैं नहीं खेल रहा हूँ तो वो प्लेयर अपनी मस्ती के लिए खेल रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि प्लेयर को कल बोला गया था छुट्टी लेनी है, छुट्टी लो खेलना है। ऐसे ही एक बार ओआर में दलजीत सब ने गॉडल को मार दिया था, फिर पैन फिर क्रॉन्टन ने मावी को, अरे वो सब तो चलता रहे, वो चलता रहे ठीक है। मैं तो बोलता हूँ जिससे ऐसा, मैं तब मत टारगेट करना जब मैं खेलूंगा प्लीज, क्योंकि मैं बहुत कम खेलता हूँ, मैं सीरियस खेलने आता हूँ, मेरे को तब मत मारने आना, फिर मेरे को ना गुस्सा सा आ जाए, थोड़ा मैं हाइपर हो जाता हूँ, गॉडल गाइस प्लीज थोड़ा, ठीक है वो तभी मार रहा हूँ जब वो अकेले खेल रहे होंगे, ठीक है प्लीज मेरे को मत मारने आना, मेरे को हो जाता है थोड़ा, एक तो मैं रिफ्लेक्स वेक्स नहीं मार पाता हूँ और थोड़ा मैं फिर हाइपर हो जाता हूँ जब मेरा मर जाऊंगा ऐसा टारगेट होके। करेंगे हम टारगेट खेलेंगे, अभी सोल के साथ देखो ड्रॉप फाइट ले रहे हैं ना, तुम्हारे साथ करेंगे धीरे धीरे, सबके साथ धीरे धीरे एक एक करके हेलो फाई हाथ बढ़ाते रहेंगे। और चैट तुम मुझसे पूछ सकते हो, जैसा तुम बोलते हो ना कि मतलब किसी से, जैसे तुमने अभी गॉड लाइक को बोला कि तुझे गॉड लाइक दे, मुझे दिक्कत होगी तो मैं यहीं पर बोल दूंगा मुझे दिक्कत है, मुझे नहीं है दिक्कत, वो भी बेचारे हमारी तरह ही स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी नहीं क्वालिफाई हो पा रहे थे कहीं पे, उनके भी दिन अच्छे आए हमारे भी अच्छे आए, लेट्स गो टुगेदर, लेट्स नॉट रू इट ईच अदर। Brother, I am on stream. Any specific reason to drop on Godlike? Okay, so Ninja का guys कहना है कि पिछला मेरा मार भी हम वहीं उतरे थे, वो लोग वहां नहीं आए, वो लोग अलग अलग ड्रॉप पे खेल रहे हैं, तो हम लोग इसमें भी ऐसे ही मस्ती मजाक में खेल रहे थे तो हम लोग इसमें भी वहीं उतरे तो उनकी ड्रॉप फाइट हो गई, क्या ये रीजन सच है? तू बात घुमा के बोल रहा है, मैंने तो इनको बोल दिया, मैंने कहा जब अगली बार मैं नहीं खेल रहा हूँ टारगेट कर देना, तो बस गाइज यार अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ थी, एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।